हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट पीरियड। आज हम दिवाली ये टॉपिक पर मेमोरी ड्राइंग ड्रॉ करने वाले हैं। पहले के वीडियो में हमने फिगर्स कैसे ड्रॉ करनी है और उसे कैसे कलर करना है ये सीखा था, उसी तरह आज हम ये मेमोरी ड्राइंग कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार फिगर्स ड्रॉ करके लेंगे। यहाँ मैं दिवाली सेलिब्रेशन करते हुए एक फैमिली ड्रॉ कर रही हूँ। फैमिली में लड़का अपने घर के सामने मम्मी पापा और बहन के साथ फटाके जलाते समय का प्रसंग यहाँ मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। तो देखो, इस तरह नीचे बैठी हुई फिगर एक्शन के अनुसार आपको ठीक से देखकर ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये मदर और सिस्टर हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। और दिवाली के दिनों का डेकोरेशन आपको पता ही है, वैसे लैंटर्न, रंगोली, लाइटिंग और दिए हम बैकग्राउंड में ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमारा ड्राइंग कंप्लीट हुआ। तो चलो अब हम इसे कलर करेंगे। यह हम पहले लाइट येलो कलर से इसे वॉश देंगे। यह आपको पानी ज़्यादा मिक्स करके एकदम लाइट कलर से वॉश देना है। और ज़मीन के यहाँ लाइट वॉयलेट कलर से वॉश देंगे। और ये वॉश ड्राई होने के बाद इसे ब्लैक बॉल पेन या स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे। यह पेपर ठीक से ड्राई हुआ है कि नहीं ये चेक करके बॉर्डर करना है, नहीं तो पेपर फटने के चांसेस होते हैं। इसके ऊपर हम ऑयल पेस्टल से कलरिंग करेंगे। यह स्किन कलर के लिए मैंने टिंट ये शेड यूज़ किया। कुर्ते के कलरिंग के लिए हम वॉयलेट एंड डार्क वॉयलेट कलर यूज़ करेंगे। पहले के वीडियो में हमने वाटर कलर से कलरिंग किया था। यह हम वाटर कलर का वॉश देकर उसके ऊपर ऑयल पेस्टल से कलरिंग कर रहे हैं। इसे मिक्स मीडिया कहते हैं। ये टाइप से कलरिंग करने से बहुत कम समय में हमारा कलरिंग कंप्लीट होता है। तो देखो, इस तरह हमारा एक फिगर कंप्लीट हुआ। अब साड़ी के लिए पहले हम लाइट ग्रीन कलर देंगे और फिर डार्क ग्रीन से शेडिंग और साड़ी के फोल्ड्स दिखाएंगे। इसके बाद लड़के के शर्ट के लिए येलो और रेड से शेड एंड लाइट में कलरिंग करेंगे। फिगर्स के लिए आपको हमेशा डार्क कलर यूज करने हैं और बैकग्राउंड के लिए लाइट। तो देखो, पैंट के लिए ऐसे ब्लू एंड व्हाइट कलर से हम शेडिंग करेंगे। और बालों के कलरिंग के लिए ब्राउन, डार्क ब्राउन और पर्शियन ब्लू जैसे कलर यूज करेंगे। अब बैकग्राउंड के दीवारों और खिड़की के लिए हम हल्के हाथ से शेडिंग करेंगे। और लैंटर्न और लाइटिंग के लिए डार्क कलर यूज़ करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेमोरी ड्राइंग ड्रॉ करने में ही ज़्यादा समय लगता है, इसलिए उन्हें कलरिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। ऐसे स्टूडेंट्स ने ये टाइप से कलरिंग किया तो उनका ड्राइंग दिए हुए समय में अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। तो देखो, कितने कम समय में हमारा कलरिंग कंप्लीट हो रहा है। कलरिंग कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट में आप सीडी राइटर, ब्लैक ऑयल पेस्टल या ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल से पूरे ड्राइंग को वापस से आउटलाइन कर सकते हैं। इससे आपका ड्राइंग और आकर्षक दिखता है। स्टूडेंट्स, आपको भी इस तरह दिवाली सेलिब्रेशन का ड्राइंग बुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।